बालकांड भाग एक। पूर्व काल में सरयू नदी के किनारे कोसल नाम का एक धन जन संपन्न सुविशाल राज्य था। अयोध्या नामक विश्व विख्यात नगरी उस राज्य की राजधानी थी। उसका निर्माण स्वयं प्रजापति मनु ने किया था और वह 12 योजन लंबी व 3 योजन चौड़ी थी। उसके चारों ओर ऊंची दीवार और गहरी खाई थी। दुर्ग की दीवारों पर यत्र तत्र सैकड़ों शतघ्नियां रखी हुई थीं। राजसेना के अनगणित शस्त्रधारी सैनिक और महारथी बाहर भीतर से उसकी रक्षा में तत्पर रहते थे। उसका अयोध्या नाम वास्तव में सार्थक था, क्योंकि बाहरी शत्रु उसमें कहीं से किसी भी प्रकार से प्रवेश न कर सकता था। शोभा और समृद्धि में अयोध्यापुरी इंद्र की अमरावती से स्पर्धा करती थी। उसमें अनेक प्रशस्त मार्ग, गगनस्पर्शी भव्य भवन, रमणीक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ा गृह आदि बने थे। सारी पुरी सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई थी। उसमें एक से बढ़कर एक कितने ही तपस्वी, विद्वान, शूरवीर, शिल्पी, कलाकार और व्यवसायी निवास करते थे। सभ्य, सुशिक्षित और धनी मानी नागरिकों का वैभव देखते ही बनता था। घर घर में राज लक्ष्मी का वास था। हाट भांति भांति की उत्तमोत्तम वस्तुओं से भरे हुए थे। सड़कों पर दिन भर चहल पहल रहती थी और वाणिज्य व्यवसाय का वह बहुत बड़ा केंद्र था। अयोध्या के नागरिक धन धान्य पूर्ण ग्रहों में रहते थे, उत्तम भोजन करते थे और सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते थे। उनके पास दूध दही के लिए अच्छी से अच्छी गौएं थीं। सब सदा हष्ट पुष्ट और दीर्घजीवी रहकर जीवन का पूरा आनंद भोगते थे। समय समय पर वहां यज्ञ महोत्सव और भांति भांति के आमोद प्रमोद होते रहते थे। जनता हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। अयोध्या अपनी संपन्नता के लिए ही नहीं, अपनी सभ्यता के लिए भी संसार में प्रसिद्ध थी। वहां के स्त्री पुरुष अत्यंत शिष्ट, विनयी, सुशिक्षित और सदाचारी थे। एक एक व्यक्ति लोक धर्म, कुल मर्यादा और सर्वहित का ध्यान रखता था। संयम सदाचार में तो साधारण नागरिक भी महर्षियों की बराबरी करते थे। समाज में गुणी, सुशील और चरित्रवान व्यक्ति ही दिखाई पड़ते थे। द्रोही, दंभी, क्रूर, कापुरुष, स्वार्थी, मूर्ख, निर्लज, आलसी, ऐसे मनुष्यों के लिए तो अयोध्या में स्थान ही नहीं था। सार्वजनिक जीवन में वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। सर्वत्र एकता, शांति और पवित्रता का वातावरण मिलता था। सभी दृष्टियों से संसार में अयोध्या के जोड़ की दूसरी नगरी न थी। उसी महानगरी में बहुत पहले कोसल देश के शासक राजा दशरथ बड़े ठाट से राज करते थे। वे उसी प्राचीन और प्रतिष्ठित इक्ष्वाकु वंश के रत्न थे, जिसमें सगर और रघु जैसे प्रतापी नर नेता हो चुके थे। राजा दशरथ 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से धर्म के अनुसार राजकाज चलाते थे। उनकी राज समिति में मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कात्यायन और गौतम आदि भी सम्मिलित थे। महत्वपूर्ण विषयों में राजधर्म का निश्चय इन्हीं की सम्मति से होता था। कोसल नरेश दशरथ इन सब के सहयोग से इंद्र की भांति शासन करते थे। एक समृद्धशाली राष्ट्र का संपूर्ण वैभव उनके चरणों में रहता था। अन्य देशों के बड़े बड़े सत्ताधारी भी उनकी महत्ता को स्वीकार करते थे। राजा दशरथ ने बहुत दिनों तक राज लक्ष्मी का भली भांति उपभोग किया। उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं थी। धन, मान, यश, ऐश्वर्य और सुख के सभी साधन सुलभ थे। फिर भी राजा को अपना जीवन सूना सा और सारा भव विभव फीका लगता था, क्योंकि वो जीवन के एक बहुत बड़े सुख, संतान सुख से वंचित थे। उनकी 3 रानियां थीं, किंतु एक से भी कोई पुत्र नहीं था। आयु के साथ साथ उनकी पुत्र लालसा भी बढ़ती ही जाती थी। राजा दशरथ धीरे धीरे वृद्ध हो चले,
पर उनकी यह कामना पूरी नहीं हुई। एक दिन उन्होंने इस विषय में अपने मंत्रियों और धर्मगुरुओं से परामर्श किया। सब ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के निमित्त कोई उत्तम यज्ञ करने की सम्मति दी। यह कार्य किसी सिद्ध तपस्वी और कर्मकांडी विद्वान की अध्यक्षता में ही संपन्न हो सकता था। अतः राज सचिव सुमंत्र ने सोच विचार कर ऋषि श्रंग को यज्ञ का आचार्य बनाने का प्रस्ताव दिया। राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऋषि श्रंग उन दिनों अंग देश में निवास करते थे। राजा दशरथ स्वयं वहां गए और बड़े आग्रह से उन्हें अयोध्या ले आए। ऋषि श्रंग ने अथर्ववेद के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। उनके आदेश से सरयू नदी के किनारे एक सुंदर यज्ञशाला का निर्माण हुआ और सभी आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी हो गईं। दशरथ ने पत्र और दूत भेजकर देश विदेश के गणमान्य व्यक्तियों को उस यज्ञ में आमंत्रित किया। नियत समय पर विविध देशों के अनेक राजा विद्वान और ऋषि मुनि वहां आ पहुंचे। तपस्वी विद्वान ऋषि श्रंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ मंडल वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंज उठा। मंत्रोच्चारण के साथ ही अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। सभी शास्त्रोक्त अनुष्ठान उत्तम रीति से किए गए। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो अग्नि देव स्वयं एक स्वर्ण पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। अंत में महातेजस्वी ऋषि श्रंग ने राजा को यज्ञावशेष चरु समर्पित करके कहा, महाराज यह दिव्य पायस परम आरोग्यदायक और पुत्रदायक है। आपकी पत्नियां इसका सेवन करके शीघ्र ही उत्तम संतान उत्पन्न करने में समर्थ होंगी। निसंतान राजा के लिए वह पुत्रदायक योग एक प्रकार से दैवी वरदान ही था। उन्होंने महात्मा के प्रसाद को सिर से लगा लिया। ऋषि श्रंग तथा सम्मानित अतिथिगण यज्ञ समाप्ति के बाद वहां से आदर सहित विदा हो गए। राजा उस खीर को लेकर अंतःपुर में गए। वहां उन्होंने उसमें से आधी खीर अपनी ज्येष्ठ रानी कौशल्या को दी, शेष का आधा भाग दूसरी रानी सुमित्रा को दिया और बचे हुए हिस्से में से दो भाग करके एक सबसे छोटी रानी कैकई को तथा दूसरा फिर सुमित्रा को दिया। रानियों ने प्रसन्न मन से अपने अपने हिस्से का प्रसाद खाया। उसके प्रभाव से वे कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गईं। यज्ञ के 12वें महीने में चंद्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से दिव्य लक्षण संपन्न शोभाधाम राम ने जन्म लिया। कुछ समय के अनंतर कैकई के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चारों कुमार जन्म से ही अत्यंत सुंदर स्वस्थ तथा तेजस्वी थे। दशरथ का सोना घर चारों ओर से भर गया। राजा प्रजा के हर्ष का ठिकाना न रहा व सारे राज्य में धूमधाम से राजकुमारों का जन्मोत्सव मनाया गया। अभी आपने सुना वाल्मीकि रामायण के बालकांड का भाग एक। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।